मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुर्सी फेंका जाना सियासत का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सीएम इस हमले से तो बच गए, लेकिन अलग अलग बयानों के हमले से बच पाना मुश्किल है। बिहार में इन दिनों जन सुराज पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने भी इस घटना पर अपना मत रखा और कहा कि उनका तो हमेशा से कहना था कि सीएम जब भी कोई पब्लिक कार्यक्रम करेंगे तो इस तरह की घटना होगी। आज फिर वही बात मैं कहूंगा, आप मेरे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी समाधान यात्रा जो सो कॉल्ड उन्होंने शुरू की है, इसके शुरुआत से पहले मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी कोई भी पब्लिक कार्यक्रम करेंगे तो उसमें इस तरह की अप्रिय घटना होनी ही होनी है। मैंने ये चुनौती भी दी है कि नीतीश कुमार को अगर लगता है कि उन्होंने काम किया है या इस सरकार के लोगों को, तो बिना सुरक्षा के किसी एक गांव में, किसी एक पंचायत में वो घूम कर दिखा दे। इतनी सुरक्षा के बाद जब लोगों में इतनी उदासीनता है, जो मैंने आपको कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, जब लोगों के मन में इतना गुस्सा है सरकार के प्रति, लोग इतना परेशान हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आप आइएगा तो लोग हल्ला मचाएंगे ही, और सुरक्षा के बल पर अगर आप उनको दबाइएगा तो कोई कुर्सी चलाएगा, कोई झंडा फाड़ेगा, कोई रोड पर लेटेगा। और जो वही आप देख रहे हैं हर जिले में हो रहा है, कहीं कुर्सी चल रहा है, कहीं चप्पल चल रहा है, वो चलेगा ही। जब लोगों में इतना गुस्सा है, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं सुबह शाम तक रोज चलता हूँ, आप देखिए मैंने कोई एक सिपाही भी नहीं रखा है, हमको कहाँ पे मार रहा है, एक ढेला भी नहीं मार रहा है, क्यों मारेगा? अगर आपके प्रति लोगों का गुस्सा रहेगा तो आप कितनी भी सुरक्षा लेकर चलिएगा तो लोगों का गुस्सा तो निकलेगा ही। नीतीश कुमार को निशाना बनाने के बाद बारी आई डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। पीके ने सीधा सवाल करते हुए पूछा कि जो पहले सत्ता में रहकर नौकरी नहीं दे पाया वो अब कैसे देगा। 10 लाख नौकरी के वादे के बाद अगर डाक बंगला चौराहे पर लाठियां दी जा रही हैं तो इसमें बिहार की जनता की गलती है। मैं इतना होशियार नहीं हूं कि बिहार में आने से पहले रोड मैप बना दूं। आप बिहार रोज मैं कह रहा हूं कि ये पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि पहले बिहार को समझें, यहाँ के लोगों से मिलें, उनके अनुभवों को मिलाकर रोड मैप बनाया जाए। बिहार के वो नेता जो मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़े दावा करते हैं, वो तो 50 साल से आप सुन ही रहे हो। किसी ने खड़ा होकर कह दिया कि मैं 10 लाख नौकरी दे दूंगा, वो आपको रोड मैप दिखता है, और जब उसके बाद वो आदमी सत्ता में आ गया तो आपको डाक बंगला पर मार लाठी मार रहा है, तो आपको लाठी नहीं पड़ेगी तो आपको क्या होगा? आप अगर बेवकूफ हैं तो आपको लाठी ही पड़नी चाहिए। जब कोई कह रहा है, जो आदमी 15 साल से सत्ता में बैठा हुआ है और 15 साल में उसने एक नौकरी नहीं दी, वो एक दिन खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो आपको इतनी समझ होनी चाहिए ना कि पूछे कि भैया कैसे दे दोगे, अगर दे सकते थे तो 15 साल में काहे नहीं दिया। तो हम इस तरह का रोड मैप नहीं देते हैं, जो बात कहेंगे वो एज इट इज वैसे ही होगी, क्योंकि कहने से पहले सोच समझ जांच परख के बोलते हैं। सिर्फ बोलने के लिए कि मैं आऊंगा तो मेरे पास रोड मैप है, मैं बिहार को सुधार दूंगा, जब मैं बिहार में रहा ही नहीं हूँ, मैं आपके प्रखंड में आया ही नहीं हूँ, आपके गांव में आया ही नहीं हूँ, आपका गांव देखा नहीं, जिला देखा नहीं, तो कैसे सुधार दूंगा? जिन नेताओं का रोड मैप लेकर आप हवा में घूम रहे हैं, वो नेता जी तो जानते नहीं है कि सीमांत के दक्षिण में क्या है, इसके उत्तर में क्या है, और उसके रोड मैप को आप विश्वसनीय मानकर उसको लेकर घूमिएगा तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि इसे हटा देना चाहिए। एक बार फिर उन्होंने कहा कि शराबबंदी की वजह से बिहार में बढ़ गया है अपराध का ग्राफ। भैया अपराध का जहाँ तक मामला है तो वो बिहार में कमोवेश हर जिले में यही स्थिति है। बिहार ने एक सप्ताह का ग्राफ उठा के देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए किसी भी आंकड़े को एक जिले के नजरिए से, एक हफ्ते के नजरिए को देखकर कोई कंक्लूसिव बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन अगर आप पिछले एक साल का बिहार के अपराध का आंकड़ा देखेंगे तो चाहे दलित समाज के खिलाफ जो अपराध है उसको, या महिलाओं का जो अपराध है, वो जो डकैती अपहरण उस लूट मार की घटनाएं हैं, हर में बढ़ोतरी हुई है। देश के स्तर पे बिहार रिलेटिव टू अदर स्टेट में ऐसा आंकड़ों को देखने से लगता है कि यहाँ अपराध की स्थिति बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, लेकिन उसकी मूल वजह यह है कि ये जो शराबबंदी का कानून लगाया गया है, जिसकी वजह से प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा वो तो शराबबंदी को लागू करने, उससे पैसा कमाने, उसको लगाने छिपाने में लगा हुआ है, और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो उनकी प्राइमरी जिम्मेवारी थी उसको छोड़कर और आप दूसरे काम में लगे रहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा ही। प्लस जो महागठबंधन बनने के बाद से लोगों के मन में एक डर था, वो भी इस ये जो आंकड़े आप बता रहे हैं पिछले हफ्ते के या पिछले महीनों के, वो कहीं ना कहीं वो चरितार्थ तो दिख रहा है
कि इस सरकार के आने के बाद, खासकर ये जब महागठबंधन की सरकार बनी है, तो लोगों का एक याददाश्त भी है कि पीछे काफी अपराध रहा है, जब आरजेडी की सरकार थी तो कुछ उस एलिमेंट का फिर एम्बोल्डेंड होना, उनको साहस होना। और उस तरह से जंगल राज के बारे में ये कहेंगे कि बिहार में अपराधियों का जंगल राज यहाँ रहा है, वो तो सर्वविदित है। जनता ने पीड़ित होकर उस सरकार को उखाड़ कर फेंका था। आज जो सरकार चल रही है, ये इसमें अपराधियों का जंगल राज नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आज की जो सरकार है, ये अधिकारियों का जंगल राज है जी। या आज जनता अपराधियों से ज्यादा अधिकारियों से परेशान है, ऐसा मुझे देखने से लग रहा है। प्रदेश से जुड़े हर अहम मुद्दे को पूरी मजबूती से जनता के सामने लेकर आते रहे हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज पदयात्रा के दौरान सिवान में उन्हें लगभग 10 दिन हो चुके हैं। कुछ और दिन यहां ठहर कर यहां की जनता के बीच जाएंगे पीके। आखिर जनता के सुंदर राज यानी जन सुराज के लिए जनता से तो जुड़ना ही होगा, और ये काम बखूबी कर रहे हैं पीके।